आदि पुरुष पर बवाल, किरदार पर सवाल। जी हां, साउथ सुपरस्टार प्रभास, सैफ अली खान और कृति सैनन स्टारर अपकमिंग मूवी आदि पुरुष का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और ये विवाद का विषय बन गया। आरोप है कि फिल्म में रामायण के पात्रों को मुस्लिम हमलावर बादशाहों जैसा दिखाया गया है, तो वहीं सोशल मीडिया में टीजर को लेकर ट्रोल किया जा रहा है और बॉयकॉट की बात उठ रही है। फिल्म के टीजर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ओम रावत को पत्र लिखा और कानूनी कार्रवाई की बात कही है। वहीं कांग्रेस अब गृह मंत्री पर निशाना साध रही है कि उन्हें कानून की फिक्र कम और फिल्मों की ज्यादा रहती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिल्म में हिंदू धर्म की आस्था पर कुठाराघात और धार्मिक भावना को आहत करने वाले कई आपत्तिजनक सीन हैं। इस पर फिल्म के निर्माता निर्देशक ओम राउत को लेटर लिख रहा हूं। इसके बाद भी आपत्तिजनक सीन नहीं हटाए जाते हैं तो कानूनी पक्ष पर विचार किया जाएगा। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु है उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है, कानून कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। आदि पुरुष का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है। इसमें एक्टर प्रभास भगवान राम की भूमिका में नजर आ रहे हैं, वहीं सैफ अली खान को रावण की भूमिका में दिखाया गया है। टीजर रिलीज होने के बाद ही फिल्म के बायकॉट की मांग उठने लगी है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर आपत्ति सामने आई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के कई सीन को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि भगवान हनुमान जी के अंग वस्त्र चमड़े के दिखाए गए हैं जो गलत हैं। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। गृह मंत्री की इस आपत्ति पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जिनके पास गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, लेकिन यह सब छोड़ वो दिन भर देश विदेश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस को कोसने पर और कौन सी फिल्म में क्या सीन है, किस अभिनेत्री और किस अभिनेता ने क्या किया, उस पर उनका ध्यान लगा रहता। बेहतर हो कि इनको गृह विभाग की जिम्मेदारी से पदमुक्त कर इनको फिल्मों के सेंसर बोर्ड का सदस्य बना देना चाहिए, क्योंकि जो इनका वास्तविक काम है उससे तो ये नदारद रहते हैं। कानून व्यवस्था की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, एनसीआरबी के आंकड़ों में हमने देखा मध्य प्रदेश महिला बच्चियों से दुष्कर्म में अपराध में अव्वल है, लेकिन उस पर तो ये ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कौन सी फिल्म में, कौन सी वेब सीरीज में और कौन से अभिनेता ने और कौन सी अभिनेत्री ने किस सीन के अंदर क्या किया, इस पर इनका विशेष ध्यान रहता तो बेहतर है इनको ये सेंसर बोर्ड की जवाबदारी देकर इनसे गृह विभाग की जिम्मेदारी वापस ले लें। आदि पुरुष फिल्म के दृश्यों और उसके पात्रों और उसकी वेशभूषा को लेकर टीजर के रिलीज होने के बाद से ही विरोध के स्वर उठते दिखने लगे हैं। सियासी दलों और सामाजिक संगठनों ने भी अब विरोध जताना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी सिर्फ फिल्म की टीजर रिलीज हुई है, फिल्म रिलीज होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज़, भोपाल।